साइंस हमारे लिए हमेशा से कॉम्प्लिकेटेड रहा है। जहाँ उसका एक साइड ह्यूमंस को एडवांस करने में यूज होता है, वहीं पर उसका दूसरा साइड मानवता को बर्बाद करने की भी ताकत रखता है। और इसी ताकत की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे, एक ऐसे इंसान के माध्यम से जिसके आविष्कार ने दुनिया को अच्छी और बुरी दोनों तरह से बदल दिया था। आज अगर आप जिंदा हो तो उसका 50% श्रेय एक ऐसे इंसान को जाता है जिसके इन्वेंशन से दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हमारे बीच नहीं है। मैं एक ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जिसके आविष्कार ने खरबों लोगों की जान तो बचाई बट करोड़ों की जान भी ले ली। सो अगर आप इस इंसान के बारे में जानना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि कैसे साइंस का सही और गलत दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है, देन मेक श्योर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फ्रिट्ज हेबर, द मैन हु किल्ड मिलियंस एंड सेव्ड बिलियंस। सो इस कहानी की शुरुआत 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग से होती है, जब US जैसे बाकी डेवलप नेशन बर्ड्स पूप को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड थे। इवन सिर्फ इस चीज़ के लिए वो कई आइलैंड्स पे कब्जा भी कर रहे थे जहाँ सी बर्ड्स भारी मात्रा में रहते थे, सो दैट उस कंट्री को पर्याप्त रूप से ग्वाना यानी कि बर्ड्स पूप मिल सके। बट सवाल ये है कि उन कंट्रीज़ को ऐसी भी क्या ज़रूरत थी बर्ड्स पूप या फिर ग्वाना की? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ी सी बेसिक केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। सो एक ह्यूमन बॉडी बेसिकली चार कंपोनेंट से बनी होती है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, और ये सारा खेल चौथे कंपोनेंट यानी कि नाइट्रोजन के लिए ही था। नाइट्रोजन किसी भी तरह के जीवन के लिए एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। हमें हमारा नाइट्रोजन प्लांट से मिलता है और प्लांट्स को ये नाइट्रोजन सॉयल से। बट अगर आप एक ही सॉयल पे बार बार कई साल तक खेती करोगे तो उसका नाइट्रोजन कम होने लगेगा एंड एज द रिजल्ट वक्त के साथ फसल की मात्रा भी कम हो जाएगी। और यही वजह था डेवलप्ड कंट्रीज़ का उस वक्त ग्वाना को कलेक्ट करने का, क्योंकि ग्वाना इज़ नथिंग बट अ अमोनिया रिच सब्सटेंस। और अगर आपका केमिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो आपको पता होगा कि अमोनिया एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है। सो दैट कंट्रीज ग्वाना के अमोनिया को सॉयल में यूज़ करके अपने फसल की पैदाइश को बढ़ा सकते थे। अब जैसा कि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब डिमांड हाई होती है और सप्लाई कम तो किसी भी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, और यही हुआ ग्वाना के साथ। उस वक्त ग्वाना इतना महंगा था कि आप 4 पाउंड ग्वाना देकर 1 पाउंड गोल्ड खरीद सकते थे। वक्त बीतने के साथ पूरी दुनिया को ये बखूबी पता था कि बढ़ती पॉपुलेशन के लिए अगर अमोनिया को फॉर्म नहीं किया गया तो अगले सेंचुरी तक पूरी दुनिया महामारी से मरने लगेगी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पर्याप्त फसल ही नहीं बचेगा। और इसी वजह से उस वक्त के सारे साइंटिस्ट अमोनिया की डिस्कवरी में लग गए, सो दैट वो ग्वाना को रिप्लेस कर सकें और अमोनिया को लैब में बनाकर पूरी दुनिया को आने वाली महामारी से बचा पाएं। अमोनिया फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जॉर्ज हिल्डरब्रांड 1811 में सामने आते हैं, जब वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक बॉटल में मिक्स करके समुद्र के 300 मीटर अंडर डाल देते हैं प्रेशर इंक्रीज करने के लिए। एंड गेस व्हाट, वो इस चीज़ में कामयाब नहीं होते हैं। बट एक चीज़ उस एक्सपेरिमेंट में क्लियर हो गई कि फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स हाई प्रेशर। इसी तरह से अगले 70 साल तक केमिस्ट अमोनिया बनाने में लगे रहे बट सफल नहीं हुए, और फिर एंट्री होती है हमारे हीरो फ्रिट्ज हेबर की। 1904 में जब हेबर अमोनिया बनाने में इंटरेस्टेड हुए तो उन्हें बखूबी पता था कि पिछले 70 साल में कोई भी इसे बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुआ है। हेबर ने लगभग 5 साल अमोनिया को समझने और बनाने की कोशिश करते रहे, और उनका प्लान नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ना सिर्फ हाई प्रेशर पर बट ऑल्सो हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट कराना था। बट उस वक्त ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं था जो इतना टेम्परेचर और प्रेशर झेल सके। इसी वजह से हेबर ने दिन रात मेहनत करके खुद का इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन किया, और फिर मार्च 1909 में 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 500 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया ऑस्मियम कैटलिस्ट के अंडर, और फिर दुनिया ने पहली बार अमोनिया को लैब में तैयार होता हुआ देखा। देखते ही देखते ये डिस्कवरी पूरी दुनिया में फैल गई और हेबर एक विख्यात और अमीर साइंटिस्ट में गिने जाने लगे, और तो और उनकी पहचान और कनेक्शन पूरी दुनिया में फैल गई। ये डिस्कवरी इतना रिवॉल्यूशनरी था कि आने वाले टाइम में फार्मर्स अपनी फसल को अब 4 गुना तक बढ़ा सकते थे और अर्थ की पॉपुलेशन से मैच कर सकते थे। इवन अगर आप आज जिंदा हो तो इसका बहुत बड़ा श्रेय फ्रिट्ज हेबर को भी जाता है। और नेक्स्ट टाइम जब आप अपने खाने को वेस्ट कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए कि अमोनिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल आपके प्लेट के खाने का,
उसे तैयार करने में लगभग 100 साल लगे थे। नाउ मूव फॉरवर्ड टू ईयर 1918, जब हेबर को नोबल प्राइज से नवाजा जा रहा था। बट क्या आपको पता है कि उस वक्त दुनिया भर के साइंटिस्ट हेबर के अवार्ड को लेकर अपोज कर रहे थे, वो भी इस हद तक कि वो अपने अवार्ड्स लौटाने तक को तैयार थे। बट ऐसा भी क्या हुआ था अमोनिया डिस्कवरी के बाद जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया हेबर के खिलाफ थी? वेल, इसका जवाब जानने के लिए हमें वर्ल्ड वॉर वन में जाना होगा। हेबर के अमोनिया डिस्कवरी के कुछ साल बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर वन की शुरुआत हो गई। दुनिया भर के देश एक दूसरे की जान लेने में लगे थे और इस विश्व युद्ध में वॉर एथिक्स नाम की कोई जगह नहीं थी। जहां पर कुछ साइंटिस्ट अपने नॉलेज को डिस्ट्रक्शन की तरह यूज नहीं करना चाहते थे, वहीं पर हेबर अपनी पेट्रियोटिज्म की वजह से वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गए और वो करने में लग गए जिससे लाखों लोगों की जान जाने वाली थी। जर्मनी यानी कि जहां से हेबर बिलोंग करते थे, वो वॉर के स्टार्टिंग से ही गन पाउडर के शॉर्टेज में था। इसी चीज को देखते हुए हेबर ने अपने कंट्री को अमोनियम नाइट्रेट सप्लाई किया और ये बताया कि कैसे इसका बॉम्ब की तरह यूज किया जा सकता है। जैसे ही जर्मनी को ये पता चलता है, वो अमोनियम नाइट्रेट को भारी मात्रा में बॉम्ब की तरह यूज करते हैं और आसमान से बरसाने लगते हैं। आयरनी ये थी कि जिस अमोनिया का यूज करके फील्ड को फर्टाइल बनाया जा रहा था सो दैट इंसान जी सके, आज उसी अमोनिया का बॉम्ब की तरह यूज करके इंसानी जिंदगी खत्म की जा रही थी। बट ये चीज यहीं पर खत्म नहीं होती है। हेबर अपने इंटेलेक्ट को एक और स्टेप आगे ले गए और एक ऐसी पॉइजनस गैस बनाते हैं जो आने वाले टाइम को पूरी तरह से बदल देने वाला था, क्लोरीन गैस। ये गैस इतना डेंजरस था कि इसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद वॉर में यूज करने से बैन कर दिया गया। नाउ मूव बैक टू द टाइम जब क्लोरीन गैस को पहली बार यूज किया गया। अप्रैल 1915, जर्मनी आर्मी ने भारी मात्रा में क्लोरीन गैस को विंड के डायरेक्शन में रिलीज किया एंड गैस वॉट, इसके पहले ही अटेम्प्ट में लगभग 5000 सोल्जर्स की डेथ हो गई। वो भी कोई आम डेथ नहीं, बल्कि एक ऐसी डेथ जो बाद में जाकर कारण बनता है इसके बैन होने का। सोल्जर क्लोरीन गैस के कॉन्टैक्ट में आते ही अपने आईज को बर्न होते हुए महसूस करते हैं और फिर अपने गले और लंग्स को अंदर से जलता हुआ महसूस करते हैं। ये मौत इतनी बुरी थी कि आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बट इन शॉर्ट, ये डेथ एक तरह का कॉम्बिनेशन था जिसमें एक इंसान खुद की बॉडी को डूबते हुए महसूस करता बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, और उसके साथ साथ खुद की बॉडी को जलते हुए भी महसूस करता बिकॉज ऑफ पॉइजनस केमिकल। इस इंसिडेंट के बाद हेबर जब अपने घर आते हैं तो उनकी वाइफ क्लोरा इन सारी चीज़ों को झेल नहीं पाती और खुद को शूट कर लेती हैं। आने वाले टाइम में केमिकल गैस की वजह से लगभग 1,00,000 सोल्जर्स की वर्ल्ड वॉर वन में जान चली जाती है और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, हेबर खुद होते हैं। वर्ल्ड वॉर वन के 15 साल बाद जब हेबर की हार्ट फेल्योर से डेथ हो गई, तो कुछ साल बाद इन्हीं के इंस्टीट्यूट ने एक और केमिकल गैस को इन्वेंट किया जिसे हम जाइक्लोन बी के नाम से जानते हैं, और फिर बाद में जाके इसी गैस को हिटलर ने होलोकॉस्ट के लिए यूज किया और लाखों ज्यूस को बेरहमी से मार दिया। आयरनी ये है कि हेबर भी ज्यूस थे, और अजीब बात है कि इन्हीं के इन्वेंशन और इंस्टीट्यूशन ने बाद में जाके अपने ही कल्चर के लोगों का नरसंहार कराया। हेबर कभी भी अपने डिस्कवरीज को इस तरह से यूज नहीं करना चाहते थे, बट अ ग्रेट माइंड विथ लैक ऑफ सेंस कैन क्रिएट अ डेंजरस सिचुएशन। इसीलिए आज साइंस में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है एंड वी शुड फील लकी कि आज हम इस जनरेशन में जी रहे हैं। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फ्रिट्ज हेबर, द गाय हु किल्ड मिलियंस एंड सेव्ड बिलियंस, एंड आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जाकर अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस पसंद हैं, देन स्टिक विद दिस चैनल, क्योंकि हम हर हफ्ते इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते हैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।